नमः ओम गम गणपतये नमः ओम हुम हनुमते नमः ओम राम रामाय नमः ओम मातेश्वरी नमो नमः ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। इस समय शुक्र और गुरु बृहस्पति दोनों डैमेज चल रहे हैं, ना बल है और कंबर्सन इफेक्ट भी चल रहा है, सूर्य के आसपास चल रहे हैं। एक परिस्थिति मुख्यतः इन क्षेत्रियों के लिए, यानी तुला क्षेत्री, सॉरी शुक्र क्षेत्री और गुरु क्षेत्री, तो जिसका भी तुला राशि लग्न है, वृष राशि लग्न है, मीन राशि लग्न है और इधर धनु राशि लग्न है, और इसके साथ कोई भी राशि लग्न हो, पकड़ लो आपका तुला लग्न मकर राशि, धनु लग्न मकर राशि, या मीन लग्न मकर राशि, या वृष लग्न मकर राशि, या बाकी कोई राशि हो जाए, इस क्षेत्र में आपका लग्न या राशि घर आ रहा है, तो कुछ लोगों को डिप्रेशन, कुछ लोगों को मानसिक दुर्बलता, कुछ लोगों को शारीरिक रोग और हॉस्पिटल का खर्चा, किसी का पैर में दर्द, किसी का कमर में दर्द, किसी का मसल में दर्द, किसी का सर्वहारी लगना, किसी का काम में रुचि नहीं होना, किसी का अननेसरी झोल झमेला झंझट झगड़ा क्रोध सडन आ जाना, डाउन हो जाना, अपने को ऊर्जावान अनुभव नहीं करना, और हाथ से कई बार कुछ चीज गिर जाना, संभाल नहीं पाना, बार बार गिरना, इस प्रकार का एक परिस्थिति बन रहा है। तो इसको अच्छा, जब शक्ति घटा तो किसका कान में कीड़ा काटा, किसी का पैर में कीड़ा काटा, किसके ऊपर चींटी चाट दिया, किसी के ऊपर चूहा चढ़ गया, किसके शरीर में छिपकली गिर गया, किसके ऊपर कॉकरोच चढ़ गया, डर के मारे कुछ उल्टा सीधा कर दिया, हो रहा है इस समय, ये थोड़ा सा मात्रा बढ़ा हुआ है। तो इस क्षेत्र में सावधान रहना अत्यंत आवश्यक है। किसी किसी ग्रामीण क्षेत्र वालों को कुछ ज्यादा हो रहा है, कहीं गाय या बैल ढूस दे, मतलब ऐसे सिंह लगा दे, उसमें लग गया, चलते चलते हाथ पैर में चोट लग गया, छोटा मोटा क्यों हो रहा है, ये प्लानिटरी एनर्जी इन लग्न राशि वालों को नहीं मिल रहा है। तो इस समय किसी भी प्रकार का निर्णय ना लें, जैसे आज एक महानुभाव बोल रहे थे घर खरीदेंगे, बोला क्यों खरीदोगे भाई, क्यों खुजली हो रहा है, तो ये कंडीशन थोड़ा सावधानी वाला है, इतना ही बोलूंगा, उससे ज्यादा और प्रवचन देके आगे नहीं बढ़ाऊंगा, ये कंडीशन है। इसका रेमेडी, जब सिस्टम ही डैमेज है तो क्या रेमेडी कर लोगे। हाँ, जो पहले से गुरु का मंत्र जाप कर रहे हैं, शुक्र का मंत्र रेगुलर जाप कर रहे हैं, शुक्र के तत्व को भोजन कर रहे हैं, कहां करोगे, ना देसी गाय है, ना घी है, ना दही है, जो भी है होल्स्टीन फ्रिजियन जर्सी गाय तो पालन नहीं करते हो, तो क्या मतलब हो गया, मैं बोलूंगा ग्रह डैमेज है तो आपका ये ऑर्डर कर दो। हाँ, पत्थर उत्थर पहन लोगे तो कुछ हो जाएगा, तो हो जाएगा, लेकिन टेक्निकल रेमेडी तो यही है, अगर शुद्ध देसी गाय का है, गाय है, तो शुक्र क्षेत्रीय वृष और तुला वालों के लिए बचाव है। गुरु को भी गाय बताया गया है, गौ ब्राह्मण अग्नि सन्निधो, ये सब गुरु क्षेत्र में आते हैं, हालांकि अग्नि मंगल में आता है, गौ अग्नि अग्नि मंगल क्षेत्र में, ब्राह्मण गुरु क्षेत्र में, लेकिन तीनों का कॉमन एनर्जी गुरु में आता है। तो ब्राह्मण का आशीर्वाद लें, ब्राह्मण मतलब पंडा सपति मिश्रा नहीं कह रहा हूं, फिर जातिवाद बोलने लग जाओगे, ब्रह्म जानाति इति, चतुर्गायत्री साधना करने वाला, और जो भी गुरु मतलब जो भी बड़े हैं, चरण स्पर्श करना, बरगज का परिक्रमा करना, अगर ज्यादा समस्या है तो बरगज से थोड़ा सा दूध या मिट्टी डाल के टीका लगाना, केला हल्दी और ब्रह्मजष्टि का पेड़ है तो इनका सुबह सुबह जल देके प्रणाम करना, परिक्रमा करना, रिकवरी कर सकता है ऐसे कंडीशन से, और ये ज्यादा दिन का नहीं है, कम दिन का है, ठीक हो जाओगे। ऐसे लोग, जो लोग परेशान हो, बीमार इत्यादि हो, या
निर्णय लेने में कमी हो रहा है, माइंड बॉडी स्लो डाउन हो रहा है, ठीक हो जाएगा, उलट होने का कोई विषय नहीं।